तो मध्य प्रदेश में नागरिकता कानून के विरोध और एनआरसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मार्च निकाला। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मार्च में शामिल हुए, इस कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है। हमने शांति मार्च किया है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। हमने शांति मार्च करी है प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, देश के हर हर सिटीजन को एहसास करने के लिए कि किस प्रकार हमारे संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत की पहचान पूरे विश्व में उसके संविधान से है, भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है जो हमारी जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के, हर धर्म को जोड़ के हम रखते हैं। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति हमारा मूल्य था जिससे डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने देश को यह संविधान दिया। आज जो एनआरसी और सीएबी का कानून लाया गया है, मैं लगभग 40 साल संसद में रहा हूं, इस प्रकार का कानून जो इतना हमला करता है हमारे संविधान में, मैंने अपने संसदीय जीवन में नहीं देखा। आज प्रश्न यह नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, आपने तो सुन लिया, एक एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। प्रश्न यह नहीं है इसमें क्या लिखा है, प्रश्न यह है इसमें क्या नहीं लिखा। इसके उपयोग की बात नहीं है, इसके दुरुपयोग की बात है। ये दुरुपयोग का किस प्रकार दरवाजे खोलता है और यही आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है, केवल राजनीतिक दलों का नहीं पर यह चिंता का विषय हर नागरिक का है। आज देश में इतनी समस्या, बेरोजगारी की समस्या, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होने जा रही है। आज रोजगार का नाम निशान नहीं, निवेश का नाम निशान नहीं, कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, किसान चिल्ला रहे हैं कि उनको सही मूल्य मिले, उनको न्याय मिले। आज इसके बारे में कोई संसद में बहस नहीं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। जनता का ध्यान मोड़ने की, जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है पिछले कई सालों में, आज ये साफ उभर के